बाटला हाउस एनकाउंटर को आधिकारिक तौर पर ऑपरेशन बाटला हाउस के रूप से जाना जाता है। जो 19 सितंबर 2018 को दिल्ली में जामिया नगर में बाटला हाउस इलाके में इंडियन मुजाहिदीन IM के आतंकवादियों के खिलाफ हुआ था, जिसमें दो आतंकवादी आतिफ अमीन और अहमद और मोहम्मद साजिद मारे गए थे, जबकि दो अन्य मोहम्मद सैफ और जिशान को गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि अरिज खान भागने में सफल रहा था। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा घटना के दौरान शहीद हो गए थे। आपको बता दें कि ये कहानी तब शुरू होती है जब दिल्ली के बाटला हाउस में दिल्ली पुलिस ने एक एनकाउंटर किया, और जिसका एनकाउंटर दिल्ली पुलिस ने किया था वो एक आतंकवादी था। उसके बाद देश की जनता ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ आवाज़ उठाई। जनता का ये मानना था कि दिल्ली पुलिस ने जिसका एनकाउंटर किया है वो आतंकवादी नहीं है, बल्कि एक वीर अपराध व्यक्ति को दिल्ली पुलिस ने मारा है। और बस इसी कहानी को पेश करने वाले हैं डायरेक्टर निखिल अडवाणी अपनी बाटला हाउस में, और ये फिल्म पूरी तरह से आधारित है उन एनकाउंटर पे जो दिल्ली पुलिस ने किया था। जी हाँ, ये कहानी पूरी तरह से इंडियन मुजाहिदीन के एनकाउंटर पर आधारित होगी। इस कहानी की शुरुआत होती है 13 सितंबर 2008 को, जब दिल्ली के करोल कनक प्लेस और इंडिया गेट ग्रेटर कैलाश के पास एक सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसके अंदर 26 लोग मारे गए थे और 133 लोग पूरी तरह से घायल हो गए थे। इस घटना के बाद दिल्ली पुलिस ने एक्शन लेना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको पता था कि अभी तक आतंकवादी दिल्ली से बाहर नहीं गए होंगे। जब इस बात की छानबीन शुरू हुई तो दिल्ली पुलिस को पता चला कि इस बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे खतरनाक आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन का हाथ है। जैसे जैसे पुलिस की छानबीन आगे बढ़ी, कुछ दिनों बाद उन्हें पता चला कि इंडियन मुजाहिदीन के 5 आतंकवादी दिल्ली के बाटला हाउस में छिपे हुए हैं। जैसे ही ये सूचना प्राप्त हुई, इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा को पूरी टीम के साथ बाटला हाउस में भेज दिया गया। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर शर्मा एक ऐसे पुलिस वाले थे जिन्होंने 21 साल की अपनी पुलिस की ड्यूटी में 60 आतंकवादियों को मारा था और 200 से ज्यादा आतंकवादियों को गिरफ्तार करवाया था। जैसे ही इंस्पेक्टर शर्मा वहां अपनी टीम के साथ सिविल ड्रेस में पहुंचे, वैसे ही I-18 के फ्लैट नंबर 108 में रह रहे आतंकवादियों का उन्होंने दरवाजा खटखटाया। फिर बाद में उनको ये पता चला कि इस फ्लैट के 2 दरवाजे हैं। फिर तुरंत ही पुलिस ने पिछले दरवाजे से एंट्री दी, और फिर आतंकियों को ये पता चला कि पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, और इसी वजह से घबराकर आतंकियों ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। कई मिनट तक चली इस फायरिंग में 4 आतंकवादी तो मारे गए, लेकिन दुख की बात ये थी कि दिल्ली के जाबाज सिपाही जिन्होंने 60 आतंकवादियों को मार गिराया था वो भी शहीद हो गए। जी हाँ, इस फायरिंग में हमारे मशहूर इंस्पेक्टर मोहन चंद्र शर्मा भी शहीद हो गए थे। ये सब तो हुआ ही, लेकिन फायरिंग की आवाज सुनकर बाहरी लोगों के बीच में भाग दौड़ मच गई, और उसी भीड़ का फायदा उठाते हुए उनमें से 2 आतंकवादियों ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन दिल्ली की बहादुर पुलिस टीम ने उनको भी पकड़ लिया। दोस्तों, यही वो सारी बातें हैं निखिल अडवाणी की बाटला हाउस में, जो आपको 15 अगस्त को पर्दे पर देखने को मिलेंगी। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। इस कहानी को जानने के बाद भी अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।